हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग जानते होंगे कि अब राखी आने वाला है। अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, कोरोना वायरस का समय, इसलिए हम लोग मिठाई बाजार से कोई ला पाए कोई ना ला पाए, किसी को मन करेगा हम लोग बाहर से खाएं, किसी को नहीं मन करेगा। इसलिए आज मैंने बच्चों के लिए रेसिपी एक लाई हूँ जो कि बच्चों को बहुत पसंद रहता है, ओरियो चॉकलेटी मिठाई की रेसिपी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को इस रेसिपी में ज़्यादा कुछ सामान नहीं चाहिए, बस डेरी मिल्क चाहिए, चाहे आप जो भी चॉकलेट ले लें, उसके बाद ओरियो बिस्कुट ले लें, और थोड़ा सा सजाने के लिए जेम्स वो हमने लिया है और बादाम लिया है, और एक चम्मच घी चाहिए। तो अब हम बिस्किट को खोल कर ग्रेंड करेंगे। इसका हम अंदर का क्रीम निकाल लेंगे, अभी हमें डेकोरेशन के लिए काम लगेगा। हम इसे छोटा छोटा टुकड़े में कर कर ग्रेंड करेंगे। तो अब हम इसे मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। देखिए हमारा मिक्सर अच्छे से ग्राइंड हो गया है। तो अब हम रेसिपी की तरफ लगते हैं। हम गैस को ऑन करेंगे। इसे ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं करना है, हमें लो ही फ्लेम में करना है, मीडियम में। हम इसमें एक चम्मच घी डालेंगे। एकदम लो फ्लेम में देंगे हम इसे। अब हम इस बिस्किट को भी हाथ डालेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा मिल्क डालेंगे। इसे हम 2-3 मिनट तक सिर्फ पकाएंगे। हमारा 2 मिनट हो गया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो अब हम इस मिक्सर को निकाल के पेड़े में सेक
की तरफ लगते हैं, सेब बनाएंगे। इसको हम ज़्यादा पतला लेयर नहीं करेंगे, ठीक रहे ये एकदम परफेक्ट लेयर लाएं। तो अब हम आपके पास जो भी साँचा है उसी से कट करिए। थोड़ा गीला रहेगा, बचे हुए मिक्सर का भी हम सेब बनाएंगे। ये चॉकलेटी टाइप का रहेगा ना, इसीलिए बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आप एक बार घर पे ट्राई कीजिएगा। अब हम इसे प्लेट में रख लेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने गैस जला कर रख दिया है। इसमें हम 2 गिलास पानी डालेंगे। चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए रख देते हैं। तब तक हम कि हमारा चॉकलेट मेल्ट हो रहा है, इसे हमें मेल्ट होने में 8 से 10 मिनट लगा था। थोड़ी देर और इसे मेल्ट होने देंगे, क्या थोड़ा बहुत रह गया है। इसे हम चलाते रहेंगे। तो हमारा चॉकलेट मेल्ट हो चुका है। अब हम इसको पहले डेकोरेशन की तरफ चलते हैं, उसके बाद आगे करेंगे हम। गैस को ऑफ कर देंगे अभी। हम पूरा इसी में डुबा देंगे।
कितना फूट जाएगा हमारा ये। मैंने सब बिस वो बनाया था जो चॉकलेट वो उसको सब डुबा लिया है मैंने। अब इसे हम फ्रीज में सेट होने के लिए रख देते हैं। तो चलिए हम इसको डेकोरेशन कर लेते हैं। थोड़ा बादाम डाल देते हैं। आप जो भी पिस्ता ले लीजिए, हमने बादाम लिया है। इसमें हम जेम्स भी लगाएंगे, कलरफुल दिखेगा। तो गाइज हमारा ओरियो चॉकलेटी मिठाई की रेसिपी तैयार हो गया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।